Hello students, now this is class 6. I am going to teach you maths class 6 standard. This is the first chapter, is number system. Number system. In number system, we will read today notation. Number first, notation. Number second is numeration. Number third is numeral. Now, first we have to talk about notation. Writing a number in figure is called notation. And numeration, writing a number in figures is called notation. In words is numeration. And a group of digits denoting a number is called numeral. As there are 10 symbols in Hindu Arabic system of writing numbers, 10 symbols is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are Hindu Arabic system of writing numbers. Now next thing we will talk today, face value and place value. So number first, you have read notation. Notation is this: writing a number in figure as 0, 1, 2, 3. These are notation. In words as 0, 1, 2, 3. These are numeration. A group of digits as 6530. This is a numeral. Denoting in a number, that is called numeral. So you have found. Now next thing we will talk about face value and place value. Face value. Now firstly we will have to talk about face value. What is face value? You have read till now. Suppose 5850. Here is 5. There are two places. The face value is same. It means 5 means 5. No change. In which place the face is same, either the value of 5 is here only 5, here is also 5. यानी कहने का मतलब face value में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, चाहे जितनी बड़ी digit हो. Second thing, 3830. So there is 3, 3. Here is 3 and here is 3. No change. Suppose
25,550. So this is 5, 5 and 5, no change. Face value is same in every digits. कोई भी ग्रुप ऑफ डिजिट्स हैं, एक ग्रुप ऑफ डिजिट है, ग्रुप ऑफ डिजिट है, ग्रुप ऑफ डिजिट है, इनमें 3 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 की जो फेस वैल्यू है वो 5 ही है. अब हम आते हैं प्लेस वैल्यू पे. जस्ट वी विल टॉक अबाउट प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू इन विच प्लेस दैट वेरी डिजिट इज डिनोटिंग, दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू. एज 5, 3, 5, 0, दे आर 5 टू प्लेसेस हियर एंड हियर. दो जगह पे आपकी 5 है. अब हम इसको अगर डिनोट करेंगे तो जैसा कि अभी हम आपको बताएंगे इंटरनेशनल सिस्टम और नेशनल सिस्टम में, तो हम फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट नेशनल सिस्टम. दिस इज 1, 10, 100 and 1000. तो प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू किस प्लेस पे है? यहाँ पे इस 5 की अगर हम प्लेस वैल्यू देखते हैं तो 5 × 10 = 50. तो यहाँ पर इस 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है? 50. नाउ इन दिस प्लेस हियर इज द 1, 10, 100 and 1000. सो हियर इज द प्लेस वैल्यू इज 1000. सो दैट इज कॉल्ड 5000. सो दिस इज दिस. यहाँ पर आपकी इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 50 है. और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 5000. Another example. दूसरा example हम लेते हैं, जैसे 3, 3, 5, 3, 3. हमने यहाँ पे कह दिया कि 5 की आपको place value निकालनी है. तो फिर से उसी national system पे आते हैं. 1, 10, 100, 1000 and 10,000. तो यहाँ पे 5 की आपको प्लेस वैल्यू निकालना है. तो 5 यहाँ पे 5 हो गया. 1, 10, 100 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से. तो कितना हो जाएगा? 500. तो आंसर क्या हुआ इसकी प्लेस वैल्यू की? 5 की प्लेस वैल्यू का आंसर कितना आया? 500. इसी तरीके से Another example, third example हम लेते हैं. 4690. यहाँ पे आपको 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है. द प्लेस वैल्यू, पिक आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4. द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 1, 10, 100 and 1000. तो यहाँ पे 4 किस प्लेस पे है? 1000 की प्लेस पे है. तो हम करेंगे क्या, इसको 4 की सीध में 4 लिख दिया. कितने से मल्टीप्लाई करना है? 1000 से. तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000. क्लियर? नेक्स्ट अब हम आते हैं नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में हमारे दो तरीके के होते हैं. एक होता है नेशनल एंड दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम. अब जैसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसमें क्या होता है? वंस होता है, वंस, थाउजेंड्स, वंस, थाउजेंड्स,
मिलियंस एंड बिलियंस। वंस थाउजेंड्स मिलियंस एंड बिलियंस। वंस में क्या क्या आता है? वंस में थ्री आते हैं। जब हम वीक वंस को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे वंस होगा, टेंस होगा और हंड्रेड्स होगा। वंस, टेंस और हंड्रेड्स, इस तरीके से आपके इस पार्ट में आपके थ्री पार्ट बनेंगे। वंस में थ्री पार्ट हो गए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में आपके बनते हैं थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड। यहाँ भी थ्री पार्ट्स बनेंगे, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड। मिलियंस में आपके बनेंगे मिलियन, टेन मिलियन एंड हंड्रेड मिलियन। इस तरीके से बिलियंस में बिलियंस एंड टेन बिलियंस। ये आपके इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है। सपोज करिए कि कोई डिजिट है, आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? सपोज करिए 10 मिलियंस, 3, 4, 1, 2, 5, 6, 8, 0, 2, 5, 6, 8, 0। अब आप ध्यान दे रहे हैं, ये हो गया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगर इसी को हम इंडियन फॉर्म में करें या नेशन फॉर्म में, तो नेशन फॉर्म में क्या आएगा हमारा, यहीं पे नीचे समझाएंगे, ज़्यादा इजी वे में आप समझ जाएंगे। इसको हम वन करेंगे, इसको हम टेन करेंगे, इसको हम हंड्रेड करेंगे, इसको हम थाउजेंड करेंगे, इसको हम टेन थाउजेंड करेंगे, इसको हम लैक करेंगे, इसको हम 10 लाख करेंगे, इसको हम करोड़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें, दो तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। जब नेशन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होगा तो हम बोलेंगे 3,41,25,680। फिर से समझ लें, इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको कॉमा लगा के 3,41,25,680। ये हमारा नेशनल सिस्टम होता है, नेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। और जब हम इसको इंटरनेशनल में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल सिस्टम में 34,125,680। इस तरीके से हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बनेगा। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है और ये हमारा नेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है। फिर से समझ लें इसको आप। ये इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? वंस होता है, थाउजेंड्स होता है, मिलियंस होता है, बिलियंस होता है। वंस में आपके तीन आते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में आपके तीन आते हैं, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड। मिलियंस में आपके थ्री आते हैं, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियंस। बिलियंस में आपके दो आते हैं, बिलियन एंड टेन बिलियन। अब ध्यान दें, हमने यहाँ पे लिखा। अब जब इंडियन सिस्टम की बात आती है, नेशनल सिस्टम की बात आती है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात आती है, तो हम लिखते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़।
नंबर सेम है लेकिन बोला कैसे जाएगा, इसको हम करोड़ पे लेंगे तो करोड़ के पहले बाद में कॉमा लगाएंगे, फिर 10 लाख है इन दोनों को मिला के यहाँ पे कॉमा लगा दिया, फिर 1000 10000 है इस पे यहाँ पे कॉमा लगा दिया, फिर 680 हो गया। जब आप इंटरनेशनल पे आते हैं तो आप देखिए 10 मिलियन और मिलियन को एक किया गया तो 34 मिलियन हमारा हो गया, फिर आप थाउजेंड पे आते हैं तो 3 है 1 2 5 तो 125 हमारा थाउजेंड्स हो गया, अब बाकी वंस है तो 680 हो गया। तो इस तरीके से हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और नेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। अब जैसे एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट ए है, एक्सरसाइज फर्स्ट ए का पहला क्वेश्चन है, राइट द न्यूमरेटर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको पहला क्वेश्चन है, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सभी को नंबर्स में लिखना है, जैसे 9, पहला क्वेश्चन है 9018, 9018, 9018 है। अब आप इसको न्यूमरल में लिखना है, नंबर्स में इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे नंबर्स में, 9 कर लिया, 1018। अब देखिए 1 10 100 1000, 9018, 9018। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, पहले के कई पार्ट हैं, नंबर 1 से लेकर के आपके नंबर 8 पार्ट तक हैं, इसको आप होमवर्क में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। दूसरे को आपको वर्ड्स में लिखना है, कैसे लिखेंगे, जैसे पहला है, फर्स्ट है 63 5, इसको आपको वर्ड्स में लिखना है, 1 10 100 1000 10000 10000, 6 में मल्टीप्लाई किया क्या हुआ 60 63 5, तो कैसे लिखेंगे 63 5 63 5, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, इसी तरीके से इसके फर्स्ट से लेके कितने हैं 9, आपको 9 तक कंप्लीट करने हैं, 9 तक। थर्ड क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, पहला है 15,768, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में फर्स्ट को क्या है 15,768। अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, कैसे करेंगे, नंबर फर्स्ट इसे लिखेंगे इज इक्वल टू 15,000, फर्स्टली आप इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे, जैसे 1 10 100 1000 10000, तो पहले हम इसको 10,000 प्लस, फिर 5000 है तो 5 लिख देंगे, 5000 प्लस 100 है तो 700, देन प्लस ये 10 पे है तो 660, देन 1 पे है। दिमाग में ये बात आती है कि इसको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं, तो इसका एक लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, आप इसको देखें, यहाँ पे 1 10 100 1000 and 10000, जो 10000 में है तो 1 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10000 आ गया, 1000
फाइव है तो फाइव को थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया तो 5000 आ गया। सेवन है, हंड्रेड पे है तो सेवन को हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया तो 700 आ गया। सिक्स कहाँ पे है, टेन पे है तो सिक्स को टेन पे मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। एट को वन पे है तो वन, एट को वन से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। तो इस तरीके से दिस इज़ आवर होमवर्क एंड यू हैव टू कम्प्लीट इट। थैंक यू सो मच।